कोई रिपोर्ट आ चुकी है और कितने पॉजिटिव हैं, आप क्या इसकी जानकारी है? और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं हॉटस्पॉट्स बदलते रहते हैं, आज की तारीख में कौन से हैं, कुछ आप उस पर बता सके तो? सर आज की तारीख में जहाँ भी हमें एक भी केस मिला है वो हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इट इज़ एज गुड एज ए हॉटस्पॉट। एज आई मैंशन कि जहाँ पर अगर उस हॉटस्पॉट में भी अगर ज़्यादा केसेस मिलते हैं तो टू दैट एक्सटेंट हमारा एक्शन इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट उतना ही बढ़ जाता है। विद रेस्पेक्ट टू निज़ामुद्दीन एरिया एंड अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू नो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ डूइंग आइदर एनी फॉल्ट फाइंडिंग और अदरवाइज। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे को किसी भी एरिया में कहीं पर भी कोई केस मिले तो हम उसको अपने कंटेनमेंट प्रोसेस के हिसाब से उस पर एक्शन लें। जैसे कि आपने बताया है दिल्ली गवर्नमेंट ऑलरेडी उससे संबंधित केसेस के बारे में वहाँ जितने भी अगर कोई हमारे को सस्पेक्टेड सिम्टोमेटिक केसेस मिले हैं उनको अपने हेल्थ प्रोफाइलिंग करते हुए या तो उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन या उनको अगर उनके सिम्टम्स थे तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराकर और उनका सैंपल लेकर उसके लिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर रही है। 54 You mentioned that there are 1,251 cases and 32 deaths, but these figures are as of 9:30 p.m. last night. When do we expect an update on this, please? I think by the time I go back, they were compiling the other information. Earlier also I explained to you, see, when we also get positive cases, even before we update, our major effort is in terms of where those patients are, which district they are. So our focus immediately shift in terms of ensuring contact tracing in those places. That is why I had earlier also explained to you, at times there are delays. As I am coming here, I was told by my team that they had whatever new list has come, they have sort of started working in terms of identifying which district they belong to and they will be updating the list. Number eight. Sir, the army has just issued a statement saying the number of people in the army infected will be given out by the Ministry of Health. So, do you have any idea what is the number of army men currently in the country who are infected? Huh? Ma'am, as far as I understand, I do not maintain differentiation in terms of army, doctors or, you know, in that sense. But any person who get infected in the country, that is the number I cited to you. And based on that, as per that number only, those people get monitored as far as the contact tracing and containment strategies are concerned. 157. सरकार का ये डाटा है कि जो लोग माइग्रेट हुए हैं महानगरों से गांव की ओर उनमें से 10 में से 3 आदमी इन्फेक्ट होने की आशंका है उनकी, तो इसका कोई कंक्रीट डाटा है या सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है सरकार है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यही बताया। सर ये मेरी नॉलेज में नहीं है लेकिन ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि अगर हम वाइड स्केल माइग्रेशन अगर होगा और पर्टिकुलरली भी उन एरिया से जहाँ पर कि इन्फेक्टेड केसेस पाए गए हैं तो चांसेस हैं कि उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो ट्रैवल करे और वो दूसरे प्रांतों में जाए या दूसरे शहरों में खासकर कि ग्रामीण प्रांतों में जाए तो वहाँ पर भी अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड है तो उस बीमारी के फैलने के चांसेस हैं। जो हमारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसका मेजर एफर्ट है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, किसी भी टाइप का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस की जरूरत है, बीमारी के बारे में अंडरस्टैंड की जरूरत है और उसको कैसे मैनेज कीजिए उसकी जरूरत है, ना कि एक जगह से दूसरे जगह से जाने की। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चांसेस हैं कि उनमें पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं और इसीलिए हमने सबको एडवाइस किया आप जहाँ हैं वहीं रहें और अगर साथ में कोई गए भी हैं तो हमने उनको मेडिकल एग्जामिन करके या उनको क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन सजेस्ट किया है। 36 नहीं एक में रह रहे हैं उनके लिए राशन के लिए कोई नीति बनाई है क्या गवर्नमेंट ने? आई थिंक गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नंबर 36 सर नमस्कार, मैं विकास हूँ न्यूज नेशन से। मेरा सवाल है कि कई सारे देश में आ रहे हैं कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना से लड़ते हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी उसके संक्रमण के दायरे में आ जा रहे हैं, क्या ऐसे केस अपने देश में भी सामने आए कि कोई स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो गया हो और उसके माध्यम से और भी लोग संक्रमित हुए हों? सर जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल प्रोफेशनल्स के इन्फेक्शन की केसेज आए हैं बट मेडिकल प्रोफेशनल्स की नेग्लिजेंस की वजह से उनको केसेज आए हैं, ऐसे अभी केसेज देश में नहीं आए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोकस एरिया यही है कि जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर फोकस किया जाए।
साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की बात करते हैं उसका पर्पस भी यही है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट के लिए अगर हम हर हॉस्पिटल में ही कुछ कुछ बेड को रखें जो हो सकता है नीड हो और जब केसेस बढ़े हो सकता है हम उनका इस्तेमाल करें, बट आज हमारा फोकस इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट के तहत ही ये है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल या डेडिकेटेड कोविड ब्लॉक्स बनाएं। 16 सर नितिन डीडी न्यूज से, रिसर्च को लेकर क्या कुछ हो रहा है CSIR या फिर बाकी जो रिसर्च संस्थान है वो वैक्सीन मेडिसिन और किट पर किस तरह से काम करें, क्या कोई लीड मिला है? डॉक्टर यू लाइक टू टेक दैट। कुछ थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैंने बोला एक बार वायरस आइसोलेट हो गया तो कुछ फर्क पड़ता है, डायग्नोस्टिक्स पे जोर आता है रिसर्च करने को, जो मेडिसिन्स हैं उनका एक्स वाई वो मॉडल बना के उसमें वो असर कर सकेगा क्या ये देख सकते हैं। उसके बाद में हम वैक्सीन का जो ट्रायल का जो आप बोल रहे हैं वो भी देख सकते हैं। अब इसमें लीड कुछ आई क्या? कल जो मीटिंग हुई जिसका जिक्र अग्रवाल साहब ने किया हेल्थ मिनिस्टर की, उसमें CSIR DST और DBT ICMR के साथ में हम काम करेंगे और जो वैक्सीन का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का और डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स के बारे में काम करने का एजेंडा इन लोगों के साथ में होगा। ICMR की स्ट्रेंथ क्लिनिकल ट्रायल्स और ऑपरेशंस रिसर्च होती है, वो भी हम उतने ही तेज़ी से करेंगे। जहाँ तक डायग्नोस्टिक्स का सवाल है, शायद नए डायग्नोस्टिक्स अगले एक या डेढ़ महीने के अंदर अपने देश में बनाए वाले कम से कम सीरोलॉजिक जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं उनमें कोई तो भी ग्रुप्स तो भी उनमें से एक तो भी आगे आना चाहिए। वायरस की एपिडेमियोलॉजी की बात हो रही है कि हमारे यहाँ कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वैक्सीन डेवलपमेंट पे होता है, तो हमको जितनी जानकारी है 3 अलग अलग किस्म के क्वासी स्पीसीज सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये इम्पोर्टेड इन्फेक्शन था, अलग अलग देशों में से आया तो एक किस्म का मिक्सचर हमको हमारे देश में दिखेगा, लेकिन अभी भी ऐसे नहीं लगता है कि ये अलग देशों से भी आया होगा तो भी उसका असर अलग कुछ दिखेगा या उसकी तीव्रता फैलने में या और कोई ढंग से अलग रहती होगी, ऐसा अभी तक कोई सबूत मिला नहीं है। गृह मंत्रालय के लिए एक और क्वेश्चन है, हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉयड और इज प्लानिंग टू डिप्लॉय पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइक CRPF एंड CISF टू हेल्प बेटर एनफोर्स लॉकडाउन इन सम सिटीज? मैं सबको बताना चाहूंगी कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर हमारे संविधान के अनुसार स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनसे संबंधित सभी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, परंतु गृह मंत्रालय अंतरिक्ष सुरक्षा की स्थिति को मॉनिटर करता है और जब उसके पास किसी राज्य सरकार से ये रिक्वेस्ट आती है कि उनके सपोर्ट के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए तब उस पर गृह मंत्रालय कार्रवाई करती है। 51 I would like to know about the testing time. I mean, we're not testing, we're just testing 36% of our capacity, that is what we were just told. So still, what is the lag time? There is a lag time, I know a lot of labs are complaining. So why is the problem there? Lag time hai bol rahe hain, ye kitna sahi hai, ya hum logon ne samajhna hai. Lag time to agar rehta tha jyada hai, तो मिनिस्ट्री और हमको जो ऑनलाइन इमीडिएटली दिख रहा है वो तो ये बता रहा है कि हमारे इसमें लैग टाइम नहीं है। अब टेस्टिंग में जो बोल रहे हैं, जो मैंने भी कुछ न्यूज़ आइटम्स पढ़े प्रेस में जो आए हैं कि प्राइवेट लैब्स को परमिशन देने में देरी हो रही है, क्या देरी नहीं हो रही है? जो क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं उनको तुरंत रिक्विजिशन, उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम हाँ बोल रहे हैं। अब उनको किट जो प्रोक्योर करना है उसमें अगर तकलीफ होती है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते।